करते हैं छतरपुर की, जहां बागेश्वर धाम के महाराज के भाई पर आरोप लगे हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई पर एक बार फिर आरोप लगे हैं। छोटे भाई पर गुंडागर्दी करने के आरोप हैं। घर में घुसकर मारपीट की गई, इस तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। शालिग्राम गर्ग की दबंगई का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित परिवार थाने पहुंचा है, शिकायत दर्ज करवाई है शालिग्राम गर्ग के खिलाफ। और ये देखिए वीडियो सामने आया है शालिग्राम गर्ग की दबंगई का, ये नमूना भर है ये वीडियो। और पीड़ित परिवार अपने हाथ पर लगी चोट दिखाते हुए, शालिग्राम गर्ग जो पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई हैं, छोटे भाई हैं, उन पर गुंडई करने के, दबंगई दिखाने के आरोप इस परिवार ने लगाए हैं। और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इससे पहले भी शालिग्राम गर्ग गंभीर आरोपों के घेरे में आ चुके हैं और इस बार गुंडागर्दी करने के आरोप लगे हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्या हुआ जो है बमिंडा थाने आए, चोट कैसे आई आपको? क्या हुआ, किसने मारा? शालिग्राम ने। किस बात को लेके आपके झगड़ा? शालिग्राम। किस बात को लेके? अरे कहां था अरविंद पटेल से, तो मैं सब मिले हूं, तो हमारा लड़का बोलो तो पांच जब से धाम में, जब से मेरा लड़का वहां काम में लगा रहा, काम में लगाए रहे धाम में, और गढ़ा का कोई आदमी नहीं है। नरेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र सिंह परमार, जो वीडियो में ये गाड़ी और आसपास लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हुआ था यहाँ पर, पहले तो ये बताएं कब का ये वीडियो है और पीड़ित परिवार को पीटा क्यों गया है? जो पूरा घटनाक्रम है, छतरपुर जिले सहित नहीं पूरे देश के सुप्रसिद्ध जो धार्मिक स्थल है बागेश्वर धाम का, जो गड़ा गांव है वहां का है, जहां पर बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग द्वारा अपने साथियों के साथ जाकर गांव के ही एक परिवार के साथ घर में घुसकर जमकर मारपीट की जाती है, लाठी डंडों से मारपीट की गई है। उसके बाद पीड़ित परिजनों ने अपने छत से ही एक वीडियो बनाया था जिसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और अंततः अब अभी अभी ये पता चला है, जो खबर में अपडेट आया है कि शालिग्राम गर्ग सहित उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर बमिठा थाना पुलिस ने दर्ज कर ली है और मामले की जांच अब की जा रही है। मारपीट क्यों की गई थी नरेंद्र? देखिए मारपीट की बजाय अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस जैसे ही जांच की आगे जो तहकीकात होगी, तहकीकात में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार कारण क्या रहे होगी। लेकिन जो धाराएं हैं 294, 323, 506 भी 506 और 34 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई उसमें को मुख्य मुलजिम बनाया गया है एफआईआर में। बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें डीजीपी समेत पुलिस विभाग के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में हाल ही में हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। छिंदवाड़ा, सीधी, अशोकनगर की घटनाओं और नर्सिंग घोटाले को लेकर सीएम सख्त नजर आए और अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। स्वाभाविक रूप से इस विभाग की भी जवाबदारी मेरे पे है, और उसी नाते से मैंने यहाँ अभी चलने वाले प्रदेश की सारी हलचल, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 3 महीने आचार संहिता के हो गए, स्वाभाविक रूप से हम सब चुनाव अभियान में लगे थे, और जैसे ही ये चुनाव का 7वां चरण पूरा हुआ, हम अपने अपने स्तर पर अपने सारे कामों को हाथ में लेते हुए। मुख्यमंत्री ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली है और यहां पुलिस को निर्देश दिए गए। और अब बात करते हैं देवास की, जहां पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर आर्म्स डीलर की दुकान को सील कर दिया। बताया जाता है कि तीनों दुकानें काफी समय से बिना लाइसेंस के चल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने यह एक्शन लिया है। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम और तहसीलदार मौजूद रहे।